तो गाइज आप एक चीज बताओ कि आप मी टी वी फोर एक्स प्राइस पच्चीस हजार रुपए हाइसेंस फोर के टीवी प्राइस छब्बीस हजार रुपए या फिर नोकिया का फोर्टी थ्री इंच टीवी प्राइस बत्तीस हजार रुपए इन तीनों में से आप किस को चूज करोगे सो आफ्टर दी लॉन्च ऑफ हाइसेंस टीवीज कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा कमेंट्स यही थे कि हाइसेंस नोकिया एंड मी टीवी में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है तो इन इन तीनों तीनों का कंपैरिजन करते हैं हैं एंड ये जानते कि टीवीज़ में से कौन सा टीवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा बट गाइस बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19 एंड लॉकडाउन सिचुएशन हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एंड पिछले कुछ दिनों से मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए शॉप वाइज यूज कर रहा हूं जो आपका भी पैसा टाइम एंड स्पेस बचाएगी बेसिकली इट्स एन एंड्रॉइड ऐप जिसमें आपको 70 प्लस स्टोर्स एंड एप्लीकेशंस मिलती हैं। सो so आपको फोन में शॉपवाइज के अलावा और कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी लाइक फ्लिपकार्ट बिग बास्केट ग्रोफर्स पेटीएम एंड मैनी मोर ये सभी एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगी एंड इस ऐप में और भी बहुत से कुल cool फीचर्स हैं लाइक like आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो आपको उसके डिस्काउंट कूपन्स भी स्क्रीन पे ही मिल जाएंगे सो यू डोंट हैव टू फाइंड दी डिस्काउंट कूपन्स एनी वेर एल्स एंड प्राइस ड्रॉप अलर्ट फीचर मेरा फेवरेट फीचर है आप किसी भी चीज को विशलिस्ट में ऐड कर लो एंड जब भी उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड इस एप्लीकेशन का इंटरफेस बहुत ही ईजी है आप इजीली किसी भी प्रोडक्ट को डिफरेंट ऐप्स में साइड बाय साइड ओपन करके उनके प्राइस एंड अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं एंड मोर ओवर कंपेयर ऑप्शन के साथ आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करके सभी स्टोर्स के रिजल्ट को एक साथ ही कंपेयर कर लेंगे ऐप में एक डेली डील्स का भी ऑप्शन है जिसमें आपको लेटेस्ट डेली बेस्ट डील्स भी मिलेंगी तो आप भी शॉपवाइज को जरूर यूज करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बट नाउ लेट्स कंपेयर दी टीवीज डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं तो तीनों ही टीवीज फोर के यूएचडी थ्री एट फोर जीरो टू वन सिक्स जीरो पिक्सल्स की रेजोल्यूशन के साथ अवेलेबल है एंड इन तीनों ही टीवीज में सिक्सटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है तो इस मामले में नो no डिफरेंस लेकिन इन टीवीज के डिस्प्ले फीचर्स में काफी डिफरेंस है लाइक नोकिया टीवी में डॉलबी विजन डब्ल्यू सी जी एम ई एम सी के फीचर्स अवेलेबल है एंड हाइसेंस के टीवी में इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा वीडियो फीचर्स अवेलेबल है लाइक डॉल्बी विजन अल्ट्रा डीमिंग एचडीआर एचटीआर टेन एचएल जी नॉइस रिडक्शन यूएचटी ए आई अपस्केलर एंड मी टीवी में नॉइस रिडक्शन कलर टेम्परेचर कंट्रोल एंड एच डी आर टेन के फीचर्स अवेलेबल है नाइज मी टीवी की पिक्चर क्वालिटी इन दोनों टीवीज के कंपेरिजन में काफी कम है लाइक like अगर आप सिर्फ मी टीवी को देखोगे तो आपको शायद ना पता चले बट अगर आप इन तीनों टीवीज को एक साथ चला के देखें तो शायम मी टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफी कम है सो द रियल कंपिटिशन इज बिटवीन हाईसेंस एंड नोकिया टीवी हालांकि नोकिया टीवी में डब्ल्यू सी जी एंड एम ई एम सी जैसे फीचर्स दिए गए हैं लेकिन फिर भी उसकी पिक्चर क्वालिटी के फोर्टी थ्री इंच फोर के टीवी के कंपैरिजन में काफी कम है Hisense के टीवी में काफी बेटर दिखती हैं एंड उसकी कलर रिप्रोडक्शन भी कमाल की है एंड अल्ट्रा डीमी की वजह से जो टीवी के ब्लैक्स हैं वो भी टेन टाइम्स डार्कर दिखते हैं जी के मामले में टीवी में नोकिया एंड मी टी से बेटर एंड लेटेस्ट जीपीड है रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो नोकिया टीवी में 2.25 पॉइंट टू फाइव जी बी ऑफ रैम एंड सिक्सटीन जी बी ऑफ इंटरनल स्टोरेज मिलेगी एंड हाईसेंस के टीवी में 2 जी की रैम एंड सिक्सटीन जी की स्टोरेज अवेलेबल है वहीं मी टी में दो जी की रैम एंड सिर्फ एट जी ऑफ इंटरनल स्टोरेज मेमोरी अवेलेबल है तीनों ही टीवीज वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों को सपोर्ट करते हैं लेकिन नोकिया टीवी में सिंगल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट दी गई है एंड बाकी दोनों टीवीज में डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट है लेकिन मी टीवी में 4.2 ब्लूटूथ है एंड हाइसेंस का टीवी आता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ साउंड की बात करें तो गैज नोकिया एंड हाईसेंस के टीवी में 24 फोर के स्पीकर्स दिए गए हैं वहीं मी टीवी में 20 बैट्स के स्पीकर्स अवेलेबल हैं एंड नोकिया टीवी में जो स्पीकर्स हैं वो हैं JBL के स्पीकर्स जो कि बहुत ही रिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड डॉलबी ऑडियो प्लस डी टी एस को भी सपोर्ट करते हैं एंड हाइसेंस के टीवी में डॉलबी एटमोस की सपोर्ट दी गई है तो हाईसेंस के टीवी की भी साउंड क्वालिटी काफी बेहतर है एंड मी टीवी में डॉलबी प्लस एंड डी टी एस की सपोर्ट दी गई है तो साउंड डिपार्टमेंट में नोकिया एंड हाईसेंस के टीवी दोनों ही काफी बड़ी ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये तीनों ही टीवीस एंड्राइड पाई 9 के साथ आते हैं एंड कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो तीनों ही टीवीस में तीन एचडीएमआई दो यूएसबी पोर्ट्स के साथ सभी नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंस है वो है सिर्फ हेडफोन जैक का जो कि नोकिया टीवी में मिसिंग है एंड हाईसेंस प्लस मी टीवी हेडफोन जैक के साथ आते हैं एंड इन तीनों टीवीज में गूगल असिस्टेंट एंड बिल्ट बिल्टिन क्रोमकास्ट के फीचर्स बिल्ट इन ही मिलते हैं तीनों टीवीज के रिमोट हॉटकीज के साथ आते हैं नोकिया टीवी रिमोट में यूट्यूब नेटफ्लिक्स गूगल असिस्टेंट की हॉटकीज अवेलेबल है हाईसेंस के टीवी रिमोट में नेटफ्लिक्स यूट्यूब गूगल प्ले प्राइम वीडियो डिजनी प्लस हॉट की हॉटकीज दी गई है एंड मी टीवी में नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो एंड गूगल असिस्टेंट की हॉटकीज अवेलेबल है नोकिया टीवी की प्राइस है थर्टी टू थाउजेंड रुपीज हाईसेंस टीवी की प्राइस है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज एंड मी टीवी की प्राइस है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज नाउ दि क्वेश्चन इज के आपको इन तीनों टीवीज में से किसको चूज करना चाहिए बेसिकली इट टोटली डिपेंड्स ऑन यूजर टू यूजर के आपको कैसा टीवी चाहिए किस ब्रांड का टीवी चाहिए एंड कैसी लुक वाला टीवी चाहिए अगर आपको स्पीकर साउंड बार की शेप में पसंद है तो यू शुड गो विद नोकिया टीवी लेकिन अगर मुझे इन तीनों में से चूज करना हो मैं हाईसेंस टीवी को चूज करता बिकॉज हाइसेंस इज प्रोवाइडिंग बेटर फीचर्स एंड क्वालिटी देन अदर्स वो भी काफी अग्रेसिव प्राइस पे एंड जो नोकिया एंड हाईसेंस टीवी का प्राइस डिफरेंस है उतने में एक अच्छी साउंड बार परचेज कर लेता तो गैस आपको इन तीनों टीवीज में से कौन सा टीवी सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ एंड ऑल्सो वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन करें मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो पीस आउट